नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बिल्कुल होटल स्टाइल में पनीर टिक्का बनाने जा रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बन भी आसानी से जाता है, पर बनने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो चलिए पनीर टिक्का बनाना स्टार्ट करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए हम पहले पनीर को मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए हमने एक बाउल ले लिया है। अब हम 5 बड़ी चम्मच दही लेंगे। हम इसमें कुछ मसाले डाल लेंगे, 1 छोटी चम्मच मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच नमक और 1 बड़ी चम्मच बेसन, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच लेमन जूस और 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल लेंगे और इन सब मसालों को दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैरिनेशन के लिए पहले हम शिमला मिर्च डाल लेंगे। हमने 2 शिमला मिर्च को बीज निकाल कर बड़े बड़े पीसेज में काट लिया है। अब हम प्याज डालेंगे। हमने 1 प्याज को बड़े बड़े पीसेज में काट लिया है और हमने 250 ग्राम पनीर को बड़े बड़े पीसेज में काट लिया है, इसे भी इसमें डाल लेंगे। और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देते हैं। 1/2 घंटा हो गया, हमारा पनीर अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए हमने 1 पैन को गैस पर चढ़ा दिया है। पैन में हम 1 चम्मच घी लगा लेंगे। पैन गरम हो गया है। अब सारी चीज़ों को एक पैन में रोस्ट करने के लिए डाल देते हैं। हमारा पनीर एक साइड से रोस्ट हो गया है। अब हम इसे पलट देंगे। हम इसी तरह से दोनों साइड से अलट पलट के अच्छे से इसे रोस्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा पनीर अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो अब हम इस पैन को हटाकर साइड में रख देंगे और कढ़ाई गैस पर चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसमें तेज़पात का 1 पत्ता और प्याज डाल के अच्छे से भून लेंगे। हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें जिंजर, गार्लिक और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। और इसको भी भून लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला,
एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सब मसालों को भी डाल लेंगे और मिक्स कर देंगे। हमने जो पनीर में मैरिनेट किया था उसके नीचे जो मसाला बच गया था हम उसे भी इसी में ऐड कर देंगे। हमने 6-7 काजुओं को मिक्सर जार में डालकर पीसकर पेस्ट बना लिया था, उसे भी हम इसी में ऐड कर देंगे। अब सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ पनीर मिक्स कर देंगे। हमने पनीर को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम थोड़ा पानी डाल देंगे। और इसे 5-6 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। तो देखिए हमारा पनीर टिक्का बनकर तैयार है, बहुत अच्छा बना है। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।